हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने आंख में आंख डालकर और सामने सामने बैठे हुए बिल्लू रानी के सामने उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को कॉल्स करके बात बताया कि मैं इंडिया जा रहा हूं और मैं क्या करने जा रहा हूं। So, ये इसका क्या आप समझते हैं, इस विजिट को कैसे देखते हैं? मैं ये बिल्लू रानी की उर्दू सुनती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि एक मुस्लिम कंट्री का इतना बड़ा फॉरेन मिनिस्टर जो मैं इंडिया के साथ, आप कैसे देखते हैं कि चीजें, कोई मोदी साहब लचक दिखाएंगे, कोई बिलावल भुट्टो के इंडिया जाने का, डॉक्टर जयशंकर कोई हमें स्पेस देंगे? मेरे नाना फॉरेन मिनिस्टर बने थे तो मुझे भी फॉरेन मिनिस्टर बनना है, मेरे नाना प्राइम मिनिस्टर बने थे तो मुझे भी मिनिस्टर बनना है। मुझे लगता है कि और उसको इंडिया भी नहीं जाना चाहिए भाई, जब तुम उनसे भारतीयों से बात करने नहीं जा रहे हो, जो जम्मू में हादसा हुआ है उसकी उसको उसकी सूरत हाल पे आप बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, then why you going to India to begin with? कि भारत इस मूड में है या भारत इस सिचुएशन पर अब है कि वो सुनेगा कि भाई पाकिस्तान से एक बिल्लो रानी आई है तो उनकी बातें हम और उनका बकतब हम सुने बैठ करके। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंडिया में SCO का मीटिंग चल रहा है गोवा में, इसमें कि बाकी देशों का फॉरेन मिनिस्टर भी आया और पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो भी आया। इसमें आपने क्लिप में देखा होगा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि क्या इंडिया हमको स्पेस देगा बातचीत करने का, क्या इंडिया हमारा बात सुनेगा। इसी में इंडियन मुस्लिम बहन ने जवाब दिया कि बिलावल भुट्टो का औकात क्या है और बातचीत वो कैसे करते हैं, फिर भी मोदी साहब के ऊपर बातचीत करता है। जो देश के PM को गाली दिया था उसी देश के अंदर आया और कहने लगा हमसे बातचीत करो। दोस्तों आइए पाक मीडिया का आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात करते हैं, बिलावल भुट्टो वो आए हुए हैं इंडिया, तो उस हवाले से क्या कहेंगी कि उस मीटिंग में दोनों लीडर्स जो हैं वो आमने सामने थे और मीटिंग में एस जय शंकर ने बड़ी खूबसूरत बातें की टेररिज्म को लेकर और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के हवाले से। उन्होंने कहा कि ये खतरा है टेररिज्म और बड़ी खूबसूरत बातें की जो कि एक लीडर को करनी चाहिए और इंडिया को बड़े अच्छे से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं SCO समिट में और हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी उनके साथ हैं। आपसे आज हम यही डिस्कस करेंगे। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में डिफेंस मिनिस्ट्री के भी एक बहुत बड़ी SCO की मीटिंग हुई थी, शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग हुई थी जिसमें आपके पाकिस्तान के डिफेंस मंत्री नहीं आए थे और बहुत अच्छी बात है। 2012 के बाद पहली बार ऑलमोस्ट 12 साल के बाद पहली बार पाकिस्तान से कोई मंत्री आया है यहाँ पर एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए और फेस करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे रील्स बना करके डाल रहा है, बहुत सारे वीडियोस बना करके डाल रहा है जिसमें आधी टूटी फूटी उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इंग्लिश के एक्सेंट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जो उनका अटायर है, जो उनका ड्रेसिंग सेंस है वो उनके देश को बिल्कुल भी नहीं सब्सक्राइब कर रहा है, जो उनके देश को टच बिल्कुल नहीं कर रहा है, फॉरेनर के अटायर को टच करने की पूरी भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। और सबसे मजेदारी वाली बात ये होती है कि जब भी मैं ये बिल्लू रानी की उर्दू सुनती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि एक मुस्लिम कंट्री का इतना बड़ा फॉरेन मिनिस्टर जो अपने नाना को बहुत फॉलो करता है कि मेरे नाना फॉरेन मिनिस्टर बने थे तो मुझे भी फॉरेन मिनिस्टर बनना है, मेरे नाना प्राइम मिनिस्टर बने थे तो मुझे भी मिनिस्टर बनना है। मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टू की अभी तक दूध के दांत टूटे नहीं है और इसलिए वो अभी भी नाना और नानी और चाचा और चाची मौसा मौसी को हाँ हाँ मुझे करना है ये वाला एक चाइल्डिश नेचर लेकर के चल रहे हैं। देखिए हमारे भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमने हालिया में सुना था कि राजनाथ सिंह जी ने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से हाथ तक मिलाना गवारा नहीं समझा था और उन्होंने साफ कहा था कि हम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर डिपेंड करते हैं, हम भरोसा ट्रस्ट करते हैं। तो ये जो लोग आते हैं हमारे पास, ये हमारे संस्कार है, हमारा कर्तव्य है कि इनको हम अच्छी तरह से इनको होस्ट करें, लेकिन जो चीजें हम पर गुजरी हैं, जो हमने सहा है, उस पर किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज या कोई भी कन्फ्रंटेशन या कोई भी आर्ग्यूमेंट के सिनेरियो में हिंदुस्तान अब आने वाला है नहीं। अब बात आती है कि हालचाल अगर बिलावल पूछता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फिर से वो कश्मीर का राग अलापता है
तब तो कोई सुनने वाला है नहीं, बिल्कुल भी है नहीं। मुझे नहीं लगता है कि भारत इस मूड में है या भारत इस सिचुएशन पर अब है कि वो सुनेगा कि भाई पाकिस्तान से एक बिल्लो रानी आई है तो उनकी बातें हम और उनका बकतब हम सुने बैठ करके। कश्मीर के मुद्दे पर कोई बात होने वाली है नहीं। अब आती है बात कि हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने आंख में आंख डालकर और सामने सामने बैठे हुए बिल्लो रानी के सामने उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि ये जो सिचुएशन है अभी हालिया हम लोग 2019 और 20 जो है वो कोविड का हम लोगों ने फेस देखा और बहुत सारी चीजों का नुकसान हुआ है, सिर्फ भारत को नहीं या पाकिस्तान को नहीं, इस पूरी दुनिया को नुकसान हुआ है और इससे अभी भी हम सर्वाइव करने की कोशिश में लगे हुए हैं, चाहे वो फिनेंशियल हो चाहे वो इकोनॉमिकल हो, लेकिन भारत इस सिनेरियो से बहुत जल्दी ऊपर आ गया और चीजें बहुत जल्दी बैलेंस्ड हो गई। हमारे अपना कोविड का इंजेक्शन निकला जो आप कभी नहीं निकाल पाएंगे शायद इतने साल के बाद, अब तक तो नहीं निकला, चाइना पर ही डिपेंड कर रहे हैं आप। तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि हम ऐसी किसी भी चीज को प्रोवोकेशन या सपोर्ट या किसी भी तरीके की कनेक्टिविटी नहीं देंगे जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है या जो टेररिज्म को प्रोवोकेशन देता है या टेररिज्म को बहुत फैसिनेटिंग समझ करके उसका बढ़ावा देता है। सबसे ज्यादा जो लिखा जा रहा है, मैं देख रही थी अल जजीरा और CNN गार्डियन हर जगह पर ये चल रहा है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो टेंशन है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर के वहां पर जाने की वजह से कम हो सकती हैं या खत्म हो सकेंगी? जो है वो इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट जो है ना, अगर आप हिस्ट्री में तलाश करें वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट, तो उस पे पहुंचे हुए हैं। यानी जो ताल्लुकात बाजाहिर हैं और अवाम की नॉलेज में हैं, अब बिहाइंड द सीन क्या अंडरटेकिंग्स हैं या किस किस्म की अरेंजमेंट्स हैं वो इररिलेवेंट हैं, चूँकि जाहिर है कि मीडिया या आम लोग जो है वो वही चीज़ देखते हैं जिसको हुक्मरान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। चूँकि एक दूसरा वर्शन भी है ना, एक दूसरा नैरेटिव भी है कि इनके दरमियान बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ों पर समझौता हो गया है और अब ये राय आमा को टेस्ट किया जा रहा है कि उन समझौतों को किस वक्त जो है वो मंजर आम पे लाया जाए। लेकिन उसमें हम इसलिए नहीं पढ़ते, इसलिए कि वो जस्ट एक थ्योरी है विच मे और मे नॉट बी ट्रू। तो इसलिए हम जो चीज़ें सामने हैं और जिनका ताल्लुक हकायक से है उससे ही बात कर सकते हैं। तो उससे आप अगर देखें तो गुज़श्ता 12 सालों में ये पहले वज़ीर ख़ारजा हैं जो इंडिया में जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा गैप है दो नेबर्स के दरमियान। और जाहिर है कि वज़ीर ख़ारजा का ओहदा इस तरह का है कि वो अपनी सतह पे, अलग बात है कि पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा के पास कितनी एक जो है वो मैंडेट होता है या कितने इख्तियारात होते हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारजा जो है वो ख़ारजा अमूर का इंचार्ज आप उसको कह सकते हैं और वो बहुत सारे ऐसे डिसीजन करने की पोजिशन में होते हैं, इनिशियटिव लेने की पोजिशन में होते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने और कुछ बंद करने की पोजीशन में होते हैं, ऐसे हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट आप कह लें। पाकिस्तान में ये सिचुएशन ज़्यादा दुरुस्त नहीं है और बिलावल के केस में बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है।